तो दोस्तों वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले ओम्स के बारे में। जैसे कि आप एक आइकॉन स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आपने दोस्तों आइकॉन कई जगह देखा होगा। तो ओम्स दोस्तों एक्चुअली में काम में आता है एम्पलीफायर और स्पीकर का वोल्टेज मैच करने के लिए, कि हमारा अगर इतने स्पीकर लगा रहे इतने वोल्टेज के तो हमारा एम्पलीफायर किस बेसिस पे काम करेगा। तो आपने अधिकतर देखा होगा कहीं कहीं पे एम्पलीफायर के जब इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, डिटेल निकाल रहे होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे 2 ओम 4 ओम 8 ओम दोस्तों अलग अलग ओम्स लिखे हुए रहते हैं। जैसा साइन के साथ बता रहा हूँ, उनके सबके सामने अलग अलग पावर वोल्टेज लिखी रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वही समझने वाले कि आखिर ये चीज़ होती क्या है। तो दोस्तों वीडियो अगर तक देखते रहेगा, वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। चैनल पर अगर आप पहली बार तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साउंड वाला से रिलेटेड कई अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे स्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बताऊँ ओम्स को हम समझ कैसे सकते हैं, तो आपने जैसे कि मैनुअल देखी होगी किसी एम्पलीफायर की, पावर एम्पलीफायर की, तो आपने देखा होगा उसमें आप जब भी पावर्स चेक करते हैं, आपने कभी कोई दुकान पर गए, उन्होंने बोला कि भैया ये इस पर इतना चलेगा, तो मैं आपको सही से बता देता हूँ कि अगर आपको खुद को जानना है कि हमारा ये एम्पलीफायर हमारे इतने स्पीकर चला सकता है कि नहीं, तो दोस्तों ये वीडियो अगले तक देखते रहेगा। अब सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ, आपने जैसे देखा होगा 2 ओम 4 ओम 8 ओम सुना तो होगा, तो मैं बता दूं आज की जो वीडियो दोस्तों हम अगर जो हमारे जो भी हमारे स्पीकर की वायरिंग होती है दोस्तों वो हमेशा होती है पैरेलल में, हम सीरीज में नहीं करते, हमारे हम वायरिंग होती है दोस्तों हमेशा पैरेलल में। तो वहीं पे हम अगर अब उसमें ओम्स की बात करें कि सीरीज में जो ओम्स होते हैं अलग होते हैं और पैरेलल में अलग होते हैं। सीरीज में अगर हम जितने स्पीकर बढ़ाते हैं उतना ओम बढ़ता जाता है, और पैरेलल में जितने स्पीकर बढ़ाते हैं उतना ओम्स कम होता जाता है। तो दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो आपने जैसे कि देखा होगा कहीं कहीं के स्पीकर के बैक साइड पर जब हम देखते हैं तो उस पर लिखा होता है 8 ओम्स लिखा हुआ रहता है। दोस्तों अधिकतर उसमें आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 8 ओम, और साथ में उसका पावर जो भी 400 वाट 300 वाट उसके साथ में 8 ओम भी लिखा रहता है। तो उसका मतलब ये होता है कि दोस्तों जो जो स्पीकर है वो 8 ओम का है, वो जो सिर्फ एक स्पीकर है दोस्तों वो 8 ओम का होता है। तो आप जैसे ही इसको जैसे कि आपने एक स्पीकर लगा रखा है और डबल 15 की बात करूँ, तो अगर आप उसमें दो स्पीकर लगते हैं 8 ओम और 8 ओम के दो स्पीकर हो गए, तो जैसे कि आप समझ सकते हैं दोस्तों मैं स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, 8 ओम्स प्लस 8 ओम्स के अगर दो स्पीकर हो गए और इनकी वायरिंग जब होती है दोस्तों पैरेलल में होती है तो ये हो जाते हैं 4 ओम। समझ रहे हैं आप, जैसे कि 8 ओम्स के अगर हमने दो स्पीकर पैरेलल वायरिंग में जोड़ दिए तो दोस्तों वो 4 ओम्स पर कहलाएगा, और वहीं अगर मैं अगर 4 स्पीकर जोड़ दूँ 8 ओम के 4 स्पीकर पैरेलल वायरिंग में जोड़ दूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 8 ओम्स के जो 4 स्पीकर थे हमने उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है पैरेलल वायरिंग के थ्रू, दोस्तों वो कहलाएगा 2 ओम्स। दोस्तों आपको एक छोटा सा फंडा तो क्लियर हो ही गया होगा कि हम स्पीकर के जरिए ओम्स को कैसे समझते हैं। अब मैं आपको अगर बताऊं कि हमको अगर एम्पलीफायर्स के वोल्टेज के थ्रू हमको इसको मैच करना है तो हम कैसे करेंगे, अब दोस्तों आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, हम एम्पलीफायर का एक एग्जांपल लेते हैं और साथ में स्पीकर्स की मैं आपको बताता हूँ वोल्टेज कैसे मैच करना है। तो दोस्तों मैं आपको बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले हम लेंगे पी सीरीज का 3.0 जो स्टूडियो मास्टर का एम्पलीफायर आता है, उसको 3 किलोवाट का मैं कह सकता हूँ उसको, हम उसका एग्जाम्पल लेंगे। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे 8 ओम्स का, 8 ओम्स मतलब होगा दोस्तों एक स्पीकर, क्योंकि हमने क्या देखा था हमारा जो स्पीकर होता है उसके पीछे लिखा होता 8 ओम्स। तो अगर हम एक सिंगल स्पीकर एक सिंगल चैनल पर चलाएंगे, आपने इसे क्या देखा होगा दोस्तों उसके मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, उसके 8 ओम्स पे लेता हूँ 830 वाट्स पर चैनल, 4 ओम्स पे 1100 वाट्स पर चैनल और 2 ओम्स पे 1500 वाट पर चैनल। तो दोस्तों हम 8 ओम्स की बात करते हैं, 8 ओम्स हो गया मतलब सिर्फ एक स्पीकर, सिर्फ एक स्पीकर मतलब एक मैग्नेट में कह सकता हूँ। तो अगर हम सिर्फ एक मैग्नेट एक चैनल पर चलाते हैं तो दोस्तों उसका वोल्टेज होना चाहिए कम से कम 800 वाट्स, क्योंकि इसमें 830 वाट्स तो उसने दे ही रखा है। तो मतलब वो आपको कंपनी बता रही है कि आप अगर से एक सिंगल स्पीकर 8 ओम का यूज करते हैं तो दोस्तों 830 वाट्स का होना चाहिए, वो 3 किलोवाट के एम्पलीफायर पे आराम से चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना एम्पलीफायर को कुछ प्रॉब्लम होगा ना ही आपके स्पीकर्स को कुछ प्रॉब्लम होगा। आप चाहे फिर वॉल्यूम फुल भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर 8 ओम्स पे भी दे रहा है 830 वाट्स और आपका स्पीकर भी होगा दोस्तों 800 या 830 वाट्स के समथिंग। वहीं मैं दोस्तों अब 4 ओम्स की बात करूं, अब 4 ओम्स का हम कैसे समझे, 4 ओम्स कैसे माना जाता है, 8 ओम्स प्लस 8 ओम्स का एक स्पीकर, मतलब 8 ओम का स्पीकर और एक 8 ओम का एक और स्पीकर, दो मैग्नेट 8 ओम्स के जब हम उसके पैरेलल वायरिंग करते हैं तो दोस्तों वो कहलाया जाता है 4 ओम्स, क्योंकि पैरेलल सीरीज जब पैरेलल में हम जब वायरिंग करते हैं तो दोस्तों ओम्स अधिकतर घटता है और जब हम सीरीज में करते हैं तो ओम्स अधिकतर बढ़ता है। तो हमारे अधिकतर दोस्तों अगर इंडिया की अगर हम बात करें या कई यूनिवर्सली भी दोस्तों बात करूँ तो हम अधिकतर वायरिंग करते हैं पैरेलल में करते हैं। तो दोस्तों वो थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाएगी, वो हम डीप में कभी और बात करेंगे, हम अभी हमारे पैरेलल पे ही रहते हैं। दोस्तों 4 ओम्स आप जैसे ही समझ सकते हैं दो मैग्नेट हो गए 8 ओम्स के पैरेलल वायरिंग में। तो दोस्तों 4 ओम्स पे हमारा एम्पलीफायर दे रहा है 1100 वाट, तो मतलब कंपनी ने बताया कि अगर आप दो मैग्नेट चलाते 8 ओम्स के एक चैनल के ऊपर, समझ रहे, दो मैग्नेट मतलब 4 ओम के हो गए, 8 ओम प्लस 8 ओम इक्वल्स टू 4 ओम,
ठीक है, एक अगर एक चैनल पर चला तो उनका 1100 वाट होना चाहिए, मतलब एक स्पीकर आपका होना चाहिए 500 से 550 वाट का एक स्पीकर होना चाहिए। तो जब दो स्पीकर चलेंगे तो दोस्तों फोरम के लाएंगे, और जो एम्पलीफायर जो कंपनी ने बता रखा है वो 4 ohms पर 1100 वाट, तो यहाँ पे हमारा जो बैलेंस हो जाता है एम्पलीफायर का वोल्टेज भी जो प्रोवाइड कर रहा है, स्पीकर जिस वाट्स पे चलना चाहिए वो भी दोस्तों बैलेंस्ड हो गया है। तो आप समझ ही गए होंगे जैसे 8 ohm और 4। दोस्तों आप थोड़ा अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ थोड़ा टॉपिक डिफिकल्ट है, तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। या दोस्तों आप मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिंक पे भी आप मुझे मैसेज करें, मैं वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 2 ohms के। 2 ohms का मतलब क्या हो गया, 4 magnet 8 ohms के। तो जब 8 ohms के मतलब 8 ohms 8 ohms 8 ohms 8 ohms 4 स्पीकर हो गए 8 ohms के, और वो चाहे 15 inch ले लें या 18 inch हो गए दोस्तों, 8 ohms के 4 स्पीकर मतलब 8 ohm 8 ohm 8 ohm 8 ohm, जब ये चारों की पैरेलल वायरिंग होती है तो दोस्तों ये कहला जाता है 2 ohm। जैसे कि मैंने आपको बताया 8 ohms मतलब सिर्फ एक स्पीकर 8 ohm का। दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, जो मैं ये बोल रहा हूँ जो ohms के बारे में समझा रहा हूँ, तो जो स्पीकर है उसके स्पीकर पर भी दोस्तों लिखा हुआ होना चाहिए कि वो स्पीकर 8 ohm का है, क्योंकि वो अधिकतर स्पीकर वैसे तो बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन कोई कोई से स्पीकर 16 ohms के भी होते हैं। तो दोस्तों अगर वो तो थोड़ा डिफिकल्ट एकदम अलग ही टॉपिक हो गया, क्योंकि अगर जनरली मैं बात करूँ तो दोस्तों 8 ohms के हमारे स्पीकर होते हैं, फिर हम RCF के ले लें, JBL के ले लें, पी ऑडियो के ले लें, स्टूडियो मास्टर A+ आहुजा कोई भी ले लें, दोस्तों आहुजा में कभी कभार आ जाता है अलग, लेकिन अगर हमें जनरली एक बात करूँ तो दोस्तों 8 ohms पे अधिकतर स्पीकर वर्क करते हैं। तो 8 ohms के अगर हम 4 स्पीकर ले लेंगे पैरेलल वायरिंग पे तो कहला जाएंगे 2 ohms। तो दोस्तों अगर मैं 2 ohms की बात करूँ तो हमारा एम्पलीफायर प्रोवाइड कर रहा है 1500 वॉट्स, तो मतलब हमारा एक स्पीकर के एवरेज वोल्टेज होना चाहिए अराउंड 375 वॉट्स, मतलब जो एक स्पीकर है वो 375 वॉट्स का होना चाहिए। तो जब हमारे 4 स्पीकर जब जुड़ेंगे पैरेलल वायरिंग में 8 ohms के, तो वो हो जाएंगे दोस्तों ओवरऑल 1500 वॉट। ठीक है, अगर हमारे पास 400 वॉट का है तो हमें एक टाइम धक्का भी सकते हैं दोस्तों कि हाँ ठीक है आप 375 वॉट का कहाँ से लाए। खैर JBL में है एक मॉडल, उसका मॉडल नंबर एक्चुअली मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों अगर आपका 400 वॉट के भी है तो आप एक जैसे कंपनी ने बता रखा 1500 वॉट पर, मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँ दोस्तों आप आपका एम्पलीफायर 2 ohm पे चले, क्यों 2 ohm पे हमारा एम्पलीफायर ज़्यादा हीट होता है, उसके पार्ट्स भी तो काफ़ी हीट होते हैं दोस्तों। हम हमारे स्पीकर और एम्पलीफायर को अगर दोनों को हमको लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है दोस्तों 4 ohms पे चले, सबसे बेस्ट सेटिंग होती है दोस्तों 4 ohm की। तो अगर मैं बात करूँ 2 ohms से 1500 वॉट दे रहा है, तो आपको जैसे समझ में आ गया होगा 8 ohms 4 ohms 2 ohm, दोस्तों 8 ohms हो गया मतलब सिर्फ एक स्पीकर, उसके पीछे स्पीकर के पीछे लिखा होगा 8 ohms, तो एक स्पीकर होगा 8 ohms से हमारा एम्पलीफायर दे रहा है 830 वॉट्स। दो स्पीकर होगा 8 ohm के तो हो गया 4 ohm, तो हमारा एम्पलीफायर दे रहा है 1100 वॉट, तो हमारा पर स्पीकर होना चाहिए 500 से 550 वॉट्स पर स्पीकर। अब वहीं 2 ohms की बात करो तो दोस्तों 2 ohms हो गए मतलब 8 ohms के 4 स्पीकर 4 magnet, तो वो हो गया दोस्तों टोटल 1500 वॉट्स हमारा एम्पलीफायर अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो हमारे स्पीकर को भी होना चाहिए अराउंड 375 वॉट्स। दोस्तों ये था हमारा ohms का, मैंने आपको थोड़ा एक जनरल एकदम काफ़ी आसानी से समझाने की कोशिश करी है। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आपको आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों क्या है हमारी लाइन अभी बहुत आगे हमको जाना है, क्योंकि ये तो एक बेसिक सी चीज़ है लेकिन कई लोगों को पता नहीं होती है। तो दोस्तों जैसे कोई आप एम्पलीफायर जब भी लेने जा रहे हो तो आपको एक पता तो लगेगा कि मेरा स्पीकर इतने वॉट का है, तो मैं इसका ये एम्पलीफायर मेरे लायक है कि नहीं, क्योंकि अधिकतर क्या है लोग 4 kW का 3 kW का एम्पलीफायर हो गया दोस्तों, उस पर ही दो टॉप्स जोड़ देते हैं, मतलब 4 टॉप एक एम्पलीफायर पे जोड़ देते हैं दोस्तों। वो एक एम्पलीफायर के लिए ख़राब बात है कि हमारा एम्पलीफायर ज़्यादा लॉन्ग टाइम सर्विस नहीं देगा। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँ कि आपके एम्पलीफायर को आप अधिकतर 4 ohm से चलें। इवन मैं खुद दोस्तों मेरा जो एम्पलीफायर सबको 4 ohm से ज़्यादा कभी चलाता ही नहीं हूँ, सिर्फ 2 या मैं अगर मेरी बात करता हूँ, मैं अगर मेरे 5 kW का जो भी एम्पलीफायर रहता है जिसके आपको पता है NX Audio का QX5000 MK2, उस पर सिर्फ मैं 2 dual bass चलाता हूँ, वो भी 1000 वॉट के। हाँ एक मतलब डुअल बेस मतलब हो गया 4 ohms का हो गया, क्यों, क्योंकि उसमें 8 ohms के 2 स्पीकर लगे हुए, एक डुअल बेस की बात कर रहा हूँ। तो 8 ohms प्लस 8 ohms हो गया 400 वॉट, और मेरा टोटल जो वोल्टेज हो रहा है 1000 वॉट प्लस 1000 वॉट 2000 वॉट, तो मेरा एम्पलीफायर अराउंड 1950 वॉट्स दे रहा है मेरे को, जहाँ तक याद है हमारा NX Audio का QX5000 MK2। दोस्तों मेरे जैसे कि बेस की बात हो गई, फिर मेरे लाइन रे टॉप्स कुछ भी ले लो दोस्तों, मैं सबको 4 ohms पे चलाता हूँ, क्योंकि मेरा जो एम्पलीफायर मैं अधिकतर यूज़ करता हूँ स्टूडियो मास्टर का P-Series 3.0, ये लाइव के लिए अच्छा है दोस्तों, मैं आपको DJ रोड शो के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एम्पलीफायर को वोल्टेज एकदम एक्यूरेट चाहिए रहता है, और इसका अगर वोल्टेज कम ज़्यादा कुछ भी हो जाता है दोस्तों साउंड की क्वालिटी में ऐसा खराब हो जाता है। तो मैं इसको एम्पलीफायर को मैं मेरे लाइव पर्पस में यूज़ करता हूँ, यहाँ पे AVR सेट्स DJ सेट्स जो होते हैं दोस्तों अच्छे कंपनी के यूज़ होते हैं, फिर मैं पावर सप्लाई यूनिट्स यूज़ करता हूँ, तो दोस्तों मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, मैं चला लेता हूँ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर आपको DJ वगैरह पर यूज़ करना है तो आप P-Series का 3.0 यूज़ करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मकसद ये था कि मैं आपको ohms समझा दूं। अगर आपको अभी भी ohms क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मैंने मत जाइएगा,
चैनल पर अगर आप पहले में तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि साउंड वाला से रिलेटेड कई अच्छे अच्छे वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं। तो दिस इज मी विशाल साइनिंग ऑफ।